खेलो वैसे दूरी जाना। अरे महाराज मैं तो एक छोटे से खोली कहा मेरे तो एक पिताजी आपके कितने हैं? अच्छा दी पिताजी चार बच्चों में पहली बार आपकी शादी हो रही है। ठीक है महाराज, तो आपको यहाँ किसने बुलाया, क्यों आए हैं आप यहाँ? वो तुमने डाला था ना ऑनलाइन में। अच्छा ऑनलाइन में आपके लिए इनवाइट किया। ठीक है महाराज, तो आप बैठिए महाराज, वेलकम है आपका। क्या बात है भाई? महाराज थोड़े यहाँ पर खड़े हो जाए ना। क्या बात है, क्या बात है? फोटो लेने हमने महाराज। लो लो लो। महाराज आप कौन से देश से आए हैं? गढ़ भूमि गढ़ नरेश हूँ मैं, गजपति है नाम मेरा, गढ़ संस्कृत संजो के रखना ये है काम मेरा। महाराज आप जगमग रहे हैं, किसने बुलाया महाराज आपको? किसने बुलाया? इतना बड़ा निमंत्रण भक्त राजा जनक की तरफ से आया है और सीता को ले जाने के लिए आया हूँ। आज बड़े स्वयं मर में सीता को ले जाऊंगा। महाराज आधार कार्ड लड़का अपनी मारा क्या बोले परिचय मेरा आधार को देश विदेश से आए हुए राजा महाराजों को ऊंचे स्वर में सुना दीजिए। जो आज्ञा महाराज। है पाताल लोक के राजा बलि, है पाताल लोक के राजा बलि, जिन बामन को महिदान किया, मैं उनका पुत्र अति प्यारा हूँ, शंकर से वरदान मिला, जब कष्ट हुआ इस धरती पर, तब कष्ट हुआ इस धरती पर, तब धरनी धर ने अवतार लिया, और दानव दल का नाश करे, तारे भूमि फाड़ दिया, धन्य धन्य राजाओं को, हे धन्य धन्य राजाओं को, जिन चरण ने मन वार किया। महाराज लंकेश राजकाज की व्यस्तता में बिजी होने के कारण लंकापति राजा रावण आपको न्योता देते ही भूल गए। कर लेंगे, कर लेंगे शोक से छोटा सा
बस शेष न कर इतना अभिमान, बस शेष न कर इतना अभिमान, घर पर नाम जा अपने घर को आजाद हो इस जगह से, जाति कल कर थोड़े सर को सत्तावी में तक इस तरह को यह सत्य बाणी हो ही मेरी है, तूने चक्कू जीता बेटा हाथी की मदद से बड़े चढ़ावे करो न भगवान करो न रावण कुमार निकला चरे तुम से कमान भारी धनुष तो पढ़ वही तोड़े जिन्होंने ऋषि की मजा आएगी आप धनुष तोड़ना उड़ा हम कहेगा या धनुष है या किसी और धातु का है।
सबने लगाया जोर, लाचार हो गए, न उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। पढ़ने की मेरी देर है, देखना एक क्षण में टुकड़े इसके तीन चार हो गए। चिपका रखा है, कर दो महाराज, कहीं कमर पर झसक नहीं फोड़ जाओ भाई। क्या चल रहा है प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ा खाना होने वाला महाराज। अच्छा,
ये बरसाती हॉल सात बरसाती हॉल हॉल अगर, अगर इसको तोड़ दिया तो है तोड़ दिया तो उठा दिया तो ये तो छह जन्म भी जन्म ले जा महाराज तब नहीं तू कहीं भी दवे खा लिया तुम लगा लो लगा हो बोलो हो खाए पियो तो छह ही नहीं बैठा 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 बड़े भाई की आज्ञा बिना यह कार्य शोभा नहीं देता। बेटा धैर्य से काम लो, तुम्हें नहीं पहचाना। सावधान दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान, आकाश के चंद्र और सूर्य सावधान।
अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। भाई ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए सब सावधान रहना। और मैं भी अपने स्थान पर सावधान। मंत्री जी, इसी समय यह शुभ समाचार राजा दशरथ के पास भिजवा दीजिए। जो है क्या हमारा आयुष्मान कहो भ्रातवर कुशल पूर्वक से तो हो, और ये राजकुमार किसके हैं? आज राजा दशरथ के पुत्र है दशरथ के पुत्र केंद्रीय हो और चक्रवर्ती पुल को प्राप्त करो। ये गाड़ी हो गई तुम्हारा बात अटल है और चक्रवर्ती राजा को प्राप्त करो। चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। तुम्हारे यहां कितनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? मुनिनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन किया था, इसलिए देश देश के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। मेरे गुरु के कृपा से यह कथा कोई सच नहीं है। मेरे गुरु की धनुष की यह कथा किसने की है? सभी प्रसाद लेकर विख्यात चरित्र होकर मुझे चरित्र के साथ
लड़के महलों में खेल के लड़के महलों में खेल सक गाँव मुझसे लड़कर मर पाए मैंने इसको भर भर के आगे क्या मेरे मुंह में वहां दूध नहीं मेरे मुंह में वहां दूध नहीं जो पट्टे से घटिया जाए है आपके दो दलन से कोई इसमें उबाल ना अब जो जो पितर से तुम हुआ माता का पलित जाता है बलहारी उन हाथों को आज भी वही हाथ हाथ इस कारण उद्धार का इस कारण उद्धार का मैं आज बलिदान करूंगा मैं अपनी पुलिस 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 प्राणी से तेरा बलिदान करूंगा यह है लोहा तुम्हें निहाल करे यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा बलिहारी पे उन हाथों की जिसने माता का सर काटा गुरु ने अभी तक माथे पर है गुरु ने अभी तक माथे पर है इसको आपने निपटा दूंगा ले आओ आप मार्जन को कोटि कोटि छुपा दूंगा खबरदार होश से बात कर और यहां से चला जा वरना कच्चा चबा जाऊंगा अरे ओ धूल धूल सात सात शरारत की मूर्ति एक तो अपनी जवान चर्चा चलाने लगा और मेरी इज्जत को धूल में गिराने लगा यदि एक बार में मैंने स्पर्श शक्ति का गर्दन अलग लग गया तो मेरा विधान पशुराम नहीं हे ब्राह्मण तू मुझे क्या मारेगा तू स्वयं मौत के बहाने आया है अब कृपया आप बैठ जाइए क्योंकि खड़े खड़े आपके पैर थक गए होंगे यदि तुम्हें यहां धनुष प्राणों से प्यारा है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलाकर जुड़वा दीजिए हे राम तेरा भाई इस प्रकार से कटु वचन कह रहा है और आप बार बार हाथ जोड़ रहे हैं या तो मुझसे युद्ध कर या फिर राम ही कहना छोड़ दो मेरा नाम तो केवल राम है परंतु आप तो परशुराम कहलाते हो हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं तू इस धनुष को तोड़ करके ये समझता है कि तूने सारे जग को जीत लिया मुनि नाथ आप बताइए इसमें हमारा क्या दोष है जो हमें रण में ललकारे उससे हम युद्ध अवश्य ही करते हैं चाहे सामने काल ही क्यों ना हो प्यारे लक्ष्मण तुम मुनि नाथ को अधिक ना सताओ जरा इधर तो आओ मुनि नाथ जरा गुस्से को रोक लीजिए और मेरे साथ बातें कीजिए कहिए क्या आज्ञा है क्या वास्तव में यह काम तुम्हारा है राम देश रावण है यहाँ
दंड दीजिए मुझे, क्या स्वीकार है? मुझे इसमें संदेह है कि तुमने यह धनुष तोड़ा है। तो आपने भी अभी तक मेरा बल कहाँ आजमाया है? मेरा संदेह दूर हो गया। परंतु मेरा निश्चय तो अभी तक नहीं हुआ। भाई को आपका निश्चय कैसा प्रभु? तो यह किसकी जान लेगा? नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी प्रभु। क्या एक ही दिन से प्राण निकल जाएंगे? उल्लास और इतनी खुशी लोगों के अंदर नजर आ रही है। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में